कल की क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दिया था और केवल एक जने का क्वेश्चन सही हुआ है, सबके गलत है। तो यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू पी, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू क्यू किया आपने, तो कितना आएगा 0.12 क्यू स्क्वायर माइनस 1.6 क्यू प्लस 10 इज इक्वल टू पी। आपने किया 12 क्यू स्क्वायर माइनस 1.6 क्यू प्लस 10 माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाला आपने, माइनस माइनस 1.6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1.6 का होल स्क्वायर माइनस 4a.12 सी 10 माइनस पी अपॉन 2 × 0.12। ये आ गया आपके पास 1.6 प्लस माइनस अंडर रूट 2.56 माइनस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आएगा 0.48 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गया आपके पास कितना माइनस का 4.8, और ये आएगा 0.48 को इससे करेंगे तो प्लस का 0.48p। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.24। ये हो गया 1.6 प्लस माइनस अपॉन 0.48p माइनस 4.8 माइनस 2.56, ये आएगा माइनस का 2.24 अपॉन 0.24। अब इसके अंदर हमने क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो होता है क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो इसके अंदर आप डिवाइड करेंगे क्यू से तो क्या होता है 0.04 क्यू क्यूब माइनस 0.8 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू। तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कितना 0.04 क्यू स्क्वायर माइनस 0.8 क्यू प्लस 10। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसका मिनिमा निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये आएगा 0.08 क्यूब माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0, 0.08 क्यू इज इक्वल टू 0.8, तो ये आएगा क्यू इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.08। यहाँ आपने ये लगा दिया, डेसिमल हटा दिए तो ये आपके पास क्या आ गया 10 यूनिट। फिर आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया मिनिमा निकालने के लिए तो ये आपके पास आ गया 0.08, ये हो गया मिनिमम। अब ये जो वैल्यू है इसको करते हैं पुट क्यू इज इक्वल टू 10 इन ए वी सी, ये आएगा पी इज इक्वल टू ए वी सी। ए वी सी अपने पास ये है 0.04 10 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 10 प्लस 10, तो ये आपके पास होगा 100, तो ये आएगा 4, ये आएगा कितना माइनस का 8, और ये आएगा कितना 10, तो 14, तो ये कितना आएगा 6। फिर हम इसके अंदर लिखेंगे S इज इक्वल टू 1.6 प्लस माइनस अंडर रूट 0.48 पी माइनस 2.24 0.24 इफ P इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 0 इफ p इज लेस देन 6। अब पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भगवान मालिक है, कैलकुलेटर अलाउ हुआ है एग्जाम के अंदर भी अलाउ हुआ है, कैलकुलेटर आपका माइक्रो में भी अलाउ हुआ है, मैक्रो में भी अलाउ हुआ है, सब जगह अलाउ हुआ है, और फिर भी गजब गजब की चीजें कर रहे हो। चलिए तो ये आपको हमने इसके अंदर बात की है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट। इसमें है एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। बाहें बचते व अबचते। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आया है। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है फर्स्ट फर्म का अल्फा क्यू वन स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्यू वन प्लस बीटा क्यू वन क्यूब। इसी तरह से दूसरा कॉस्ट फंक्शन दे रखा है अल्फा क्यू टू स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्यू टू प्लस बीटा क्यू टू क्यू। यहाँ पे गिवन है कि जो क्यू है वो क्या है, क्यू वन प्लस क्यू टू है, क्यू वन प्लस क्यू टू है, और अल्फा जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कहते हैं कि यदि बीटा इज लेस देन जीरो है, यानी बीटा जो है वो नेगेटिव में है, तो ये क्या होता है, देर आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज बाहे बचते हैं, और बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होती है तो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो ये कहता है फाइंड द सप्लाई फंक्शन, फाइंड सप्लाई फंक्शन। इसके अंदर हम सारा प्रोसेस वैसा ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो है क्या, MC1 इज इक्वल टू P, क्योंकि दोनों फर्मों के अंदर जो प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में सिमिलर होती है। तो यहाँ पर अपन ने किया है डिफरेंशिएशन C1 विद रेस्पेक्ट टू Q1, तो ये आएगा 2 अल्फा Q1 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा Q, और ये किसके बराबर है, P के। और यहाँ पे क्या किया हुआ है Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2। अब दोनों फॉर्म में है तो इसके अंदर क्या Q2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर ये पुट करेंगे, यहाँ पे भी Q1 कर देंगे, यहाँ पे भी Q1, तो क्या आएगा 2 Q1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास MC 2 अल्फा Q1 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा 2 बीटा Q1 इज इक्वल टू पी। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया आपने तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा Q1, और यहाँ पे आ गया P, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हमने इधर लेके चले गए। फिर हमने निकाला Q1 तो क्या आ गया, P अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का जो सप्लाई फंक्शन है S1, या इसको अपन बोले Q1,
वो आ जाएगा क्या, पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। इसी तरह से अपन सेकेंड फॉर्म के अंदर बात करें तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन सी टू विद रेस्पेक्ट टू क्यू टू, तो इसका करेंगे तो आएगा वही टू अल्फा क्यू टू प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू, बीटा क्यू, तो वही सेम चीज आएगी अब यहाँ। और इसके बराबर क्या कर दिया अपन ने, पी, और यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू टू प्लस क्यू टू, क्या लिखेंगे टू क्यू टू, तो ये आ जाएगा एम सी टू टू एल्फा क्यू टू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आएगा टू बीटा क्यू इज इक्वल टू पी। यहाँ इसमें से और इसमें से अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया टू एल्फा प्लस बीटा क्यू टू प्लस एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको अपन इधर ले आए अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया आपके पास क्या टू टू इज इक्वल टू पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्या एस टू इज इक्वल टू क्यू टू पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। ये अपने पास क्या हो गया सेकंड फॉर्म। तो मार्केट का जो सप्लाई फंक्शन है या इसको अपन बोले एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, तो होगा एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। तो एस वन है अपने पास क्या पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये आएगा पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो इनको ऐड किया अपन ने तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर से एलसीएम ले लिया टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आएगा पी और ये पी, इसको और इसको लिया और इसको इसको लिया तो क्या आ गया नीचे टू आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया टू पी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा टू से टू कैंसिल है टू से टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा सप्लाई फंक्शन पी अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो क्या किया, इसको इधर गुणा कर दिया इसको इधर गुणा कर दिया, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा एस, ये आएगा पी माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया पी इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन निकाल रहे पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एस, ये आपके पास क्या आ गया सप्लाई फंक्शन आ गया। और इसके अंदर ये आप जानते हो कि ये जो फर्स्ट है इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट चाप, और ये होता है क्या इसका स्लोप अल्फा प्लस बीटा। अब इसके अंदर तो यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन, वो आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अपन को ये मालूम है गिवन है क्या अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो अपन ले रहे हैं क्या केस फर्स्ट, फर्स्ट इफ बीटा इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा कि स्लोप जो है अल्फा और बीटा दोनों का जोड़ है, तो अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, तो स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो उसका जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। दूसरा केस सेकंड,
क्या इफ बीटा इज लेस देन जीरो, तो ये जो होता है वो तो क्या होता है एक्सटर्नल इकोनॉमी डिस इकोनॉमीज दे रखा है, डिस इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, तो इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं कि दो केस बन के आते हैं, फर्स्ट अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए बराबर आ जाए, तो क्या होगा सो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ें और वो जीरो आ जाए तो सप्लाई करो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। और दूसरा पॉइंट लेके आ रहे हैं इसके अंदर कि अल्फा इज लेस देन बीटा, लेस देन बीटा, तो यदि बीटा क्या है जो है वो ज्यादा और अल्फा कम है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर जो बन के आएगा वो आएगा नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सप्लाई कर्व जो होगा वो नेगेटिव स्लोप बन के आएगा, कब, जब क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज वाली पोजिशन बन के आएगी, तो ये इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर ये जो अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, फिगर भी इसके अंदर क्या होगा चेंज नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्या टैक्सेशन की, या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या टैक्सेशन। तो इसके अंदर आता है क्या लमसम टैक्स, क्या आता है लमसम टैक्स, तो अपन इसको अपन डिनोट करते हैं किससे एल से, तो यहां पर क्या है पाई बराबर क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे अपने पास क्या है पी इंटू क्यू, और यहाँ पी है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और टी सी जो है उसको अपन ले रहे हैं सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू, और एल क्या है यहाँ पे लमसम टैक्स। लमसम टैक्स का मतलब क्या हो गया कि आपकी इनकम जीरो हो चाहे माइनस में हो चाहे प्रॉफिट हो, तो आपको गवर्नमेंट जो है ऐसी चीजों के ऊपर कहते भाई आपको तो इतना टैक्स देना ही देना है, एक मुफ्त कर जिसको बोलते हैं, तो अपन इसके अंदर यहाँ पुट कर देते हैं प्रॉफिट फंक्शन में पाई बराबर पी इंटू क्यू माइनस सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू माइनस एल, इसको लिखते हैं क्या डिफरेंशिएट पाई विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो होगा डिफरेंशिएशन पाई विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो ये आएगा पी डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू प्लस क्यू डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस डिफरेंशिएशन एल विद रेस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये तो हो गया पी, ये हो गया वन, ये हो गया आपके पास क्यू, और ये कांस्टेंट होती है प्राइस यहाँ पर जीरो, और ये भी क्या है कांस्टेंट है, सॉरी एक चीज डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस डिफरेंशिएशन एल विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो ये भी कॉन्स्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ आएगा क्या सी डैश क्यू, और ये क्या आएगा जीरो, तो ये आपके पास क्या आ गया P इज इक्वल टू सी डैश क्यू, या इसको अपन लिखें P इज इक्वल टू सी डैश क्यू, या इसको अपन लिखें P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया लमसम टैक्स लगाने पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो क्या है अनचेंज्ड है,
और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर अपन निकालेंगे तो वो भी क्या है, अनचेंज रहेगी, वो भी क्या है, अनचेंज रहेगी। तो ये आएगा माइनस सी डबल डैश क्यू। तो ये है अपने पास क्या, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो दोनों की दोनों, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यदि हमारी अनचेंज रहती है तो कहने का मतलब क्या कि कमोडिटी की प्राइस और आउटपुट आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सारा का सारा जो टैक्स है वो कौन बियर करेगा, वो प्रोड्यूसर बियर करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इन लमसम टैक्स फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आर अनचेंज्ड, सो ऑल टैक्स बियर बाय प्रोड्यूसर। यानी सारा का सारा टैक्स जो है कौन वहन करेगा, उत्पादक वहन करेगा। दूसरा लेते हैं इसके अंदर क्या, लमसम टैक्स के बाद आता है क्या, प्रॉफिट टैक्स। इसको बोलते हैं क्या, लाभ कर। तो इसको अपन डिनोट कर रहे हैं क्या, पी से। ठीक है, तो प्रॉफिट टैक्स क्या हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया क्या, पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसको मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है ना, माइनस प्रॉफिट टैक्स पी। तो यहाँ पर वही चीज आ जाएगी, पाई स्टार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू माइनस पी। अब प्रॉफिट टैक्स के अंदर भी क्या होगा कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। क्यों चेंज नहीं होंगी, क्योंकि प्रॉफिट जो है मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी को सेल आउट करने के बाद होता है। जब वस्तु को किसी कमोडिटी को अपन ने सेल कर लिया और उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। तो इसमें भी सारा का सारा जो टैक्स है वो कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे भी अपन करेंगे क्या, डिफरेंशिएट पाई स्टार विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो यह आएगा डिफरेंशिएशन पाई स्टार विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो यह आएगा पी डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू प्लस क्यू डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यह आएगा पी वन माइनस सी डैश क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यह आएगा पी इज इक्वल टू सी डैश क्यू। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या रह गई, अनचेंज। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्यू, तो क्या आएगा माइनस सी डबल डैश क्यू। यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है अनचेंज है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ओ सी एंड एस ओ सी अनचेंज, सो ऑल टैक्स ऑल प्रॉफिट टैक्स टैक्स बियर बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, तीसरा टैक्स आता है इसके अंदर क्या, वो आता है क्या, स्पेसिफिक टैक्स। या इसको बोलते हैं क्या, पर यूनिट टैक्स, प्रति इकाई कर या विशिष्ट कर। तो इसको अपन क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रॉफिट फंक्शन होगा पाई बराबर टी आर माइनस टी सी, और स्पेसिफिक टैक्स दे दिया अपन ने किसका, टी क्यू। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, पी इंटू क्यू, और ये हो जाएगा सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू माइनस टी क्यू माइनस टी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट पाई विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन पाई विद रेस्पेक्ट टू क्यू पी साइलेंट डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस, सॉरी प्लस क्यू साइलेंट डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू
माइनस डिफरेंशिएशन सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और यहाँ आएगा माइनस का डिफरेंशिएशन टी क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपके पास पी, ये हो गया वन प्लस, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपके पास जीरो, ये आपके पास हो गया सी डैश क्यू, और यहाँ से आएगा माइनस का टी, क्योंकि क्यू का क्यू करेंगे तो वन आ जाएगा। तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो गया सी डैश क्यू प्लस टी। यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है, एफ ओ सी क्या हो रही है यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी टैक्स लगने के बाद मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा क्या हो रही है, प्राइस डिसाइड होके आ रही है, यानी टैक्स का जो शिफ्टिंग है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस सी डबल डैश क्यू वो क्या है, अनचेंज है, तो लिखेंगे इन स्पेसिफिक टैक्स, टैक्स फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज चेंज सो burden of tax bear by both producer and seller according to elasticity of demand and elasticity of supply। yani kehne ka matlab kya ki visist kar ka bhar उपभोक्ता व उत्पादक पर विवर्तित होता है मांग की लोचों के आधार पर। ठीक है, तो इसके अंदर होगा, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा इसको कैसे चीजें बन के आती है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि ये ऐसे है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, टैक्स इम्पोज किया, तो टैक्स इम्पोज करेंगे तो सप्लाई कर जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये पॉइंट आ गया ए, ये हो गया बी और ये सी, तो टोटल टैक्स यहाँ पे अपने लगाया कितना, वो लगाया स्मॉल टी यानी ए सी ये पूरा। तो कंज्यूमर का जो बर्डन है वो कितना है ए बी, और प्रोड्यूसर का जो बर्डन है वो कितना है BC, वो डिपेंड करता है इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैं भी बाद में लूंगा, पहले इसमें एक चौथा टैक्स और आता है, फोर्थ एडवलरम टैक्स, मूल्य अनुसार कर। या इसको बोलते हैं क्या, सेल टैक्स, बिक्री कर, वो होता है कि एस इंटू टोटल रेवेन्यू, या इसको अपन लिख सकते हैं एस इंटू पी क्यू। तो यहां पर अपने पास आता है क्या, प्रॉफिट फंक्शन पाई बराबर टी आर माइनस टी सी माइनस एस इंटू टी आर, यानी टोटल बिक्री के ऊपर लगेगा, और ये क्या होता है, परसेंटेज बेसिस पे होता है, आनुपातिक लगता है। अगर 15% जैसे जीएसटी लगता है, 5% 10% इस तरह से ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, वन माइनस एस टी आर माइनस टी सी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पाई बराबर वन माइनस एस, ये हो गया कितना, पी इंटू क्यू माइनस टी सी, आपके पास हो गया सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू, डिफरेंशिएट पाई विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन पाई विद रेस्पेक्ट टू आपने क्यू किया, तो क्या आ गया, वन माइनस एस, वन माइनस एस पी साइलेंट डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू प्लस क्यू साइलेंट डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू और इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास हो गया क्या, वन माइनस एस, ये आपके पास हो गया पी वन प्लस ये हो गया क्यू जीरो, ये आ गया सी डैश क्यू, सी डैश क्यू, तो ऐसी पोजीशन बन के आ गई। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वन माइनस एस
पी इज इक्वल टू सी डैश क्यू। तो यहां पर भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन चेंज हो गई। फिर अपन इसके अंदर सेकंड ऑर्डर कंडीशन कर रहे हैं क्यू स्क्वायर, तो यहां पर ये तो पूरा जीरो आएगा और ये आएगा क्या माइनस सी डबल डैश क्यू। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है अनचेंज है, तो ये लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज चेंज्ड, सो बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके अंदर क्या होता है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, पी है, ये ई है, ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास ए है। अब इसके ऊपर यदि टैक्स इम्पोज होता है तो वहां पर क्या होता है, सप्लाई कर्व जो है इस तरह से बन के आता है। तो ये आपके पास क्या हो गया क्यू वन, ये आपके पास क्या हो गया प्राइस पी वन, ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी। तो ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज लगता है। तो एस जैसे अपन ने कहा कि सब परसेंटेज फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ पर जो है ए बी जो है वो है कंज्यूमर बर्डन और बी सी जो है वो क्या है प्रोड्यूसर बर्डन है। यानी अपन ने एस परसेंटेज से लगा है, तो इस तरह से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो एक्सपेंड होता जाएगा, यानी डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल है, यहाँ कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, वो है आपके पास सी इज इक्वल टू 0.1 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 10। और यहाँ पर बोलते हैं नंबर ऑफ फर्म्स, वो है आपके पास कितनी 100। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है 100। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है क्या डी इज इक्वल टू माइनस 400 पी प्लस 4000 और 4000। ठीक है, तो इसके अंदर कहते हैं फाइंड फर्स्ट सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन सेकंड इफ स्पेसिफिक टैक्स इज 90 पैसा पर यूनिट, तीसरा है इफ एडवलम टैक्स इज 20% पर रेवेन्यू। ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी एंड प्रॉफिट।
ये अपन को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सप्लाई फंक्शन निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो एम सी इज इक्वल टू पी, ये आएगा क्या, 0.1 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 10। ये क्या है अपने पास सी। तो डिफरेंशिएशन सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्यू, तो कितना आएगा 0.2 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, अपन ने क्या कर दिया पी। तो क्या आ गया 0.2 क्यू इज इक्वल टू पी माइनस 1। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन 0.2 और 1 अपॉन 0.2। तो क्या आ गया यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू 5p माइनस 5, ठीक है, 5p माइनस 5। फिर है क्या, गिवन है नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, वो है क्या 100। s इज इक्वल टू क्या आएगा 100 क्यू, तो ये आएगा कितना 500 पी माइनस 500। तो ये आपके पास क्या हो गया, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन को क्रिएट कर। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं सेकंड पार्ट, तो उसके अंदर क्या बोलते, सॉरी सेकंड पार्ट के पहले क्या कर रहे हैं, क्या इक्विलिब्रियम, तो वहां पर क्या आएगा डिमांड इजिकल टू सप्लाई। डिमांड अपन को गिवन है इन्होंने कितना, माइनस का 400p प्लस 4000 इजिकल टू 500p माइनस 500। तो इधर गया ये, इधर गया तो कितना आ गया 900p इजिकल टू 4500। तो p इजिकल टू कितना आ गया 5। प्राइस कितनी आ गई 5 रुपीज। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, सो डिमांड इजिकल टू कितना है, माइनस का 400p, तो ये आएगा 5 प्लस 4000, तो कितना आ गया 2000 प्लस 4000, तो डिमांड कितनी आ गई 2000। इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, क्वांटिटी बन के आ गई, ये प्रॉफिट नहीं आएगा ना, आ गई, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं क्या, सेकंड पार्ट, स्पेसिफिक टैक्स। क्या है स्पेसिफिक टैक्स यूज कर रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन वो होगा क्या एमसी प्लस कॉस्ट फंक्शन, सॉरी सी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 10, और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया EQ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने MC निकाला, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन C विद रिस्पेक्ट टू Q, तो कितना आएगा 0.2Q प्लस 1 प्लस T, और इसके बराबर क्या कर देंगे P, क्योंकि तो हमारी कंडीशन है MC इज इक्वल टू P। तो क्या हो गया 0.2Q इज इक्वल टू P माइनस 1 माइनस T, तो Q बराबर क्या आ गया P अपॉन 0.2 माइनस 1 अपॉन 0.2 माइनस टी अपॉन 0.2। ये आ गया क्यू इज इक्वल टू 5p माइनस 5 माइनस 5t, 5t, या इसको अपन के अंदर नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी 100, तो सो के s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100q, तो क्या आएगा 500। इसको अपन ऐसे लग देते p माइनस t माइनस 500, ये फी और टीमें से ऐसी निकाल दी। तो सप्लाई फंक्शन जो है हमारा क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया टी। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 90 पैसा, या अपन इसको बोले क्या 0.90 रुपीज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 500 P माइनस टी कितना हो गया 0.9, और ये हो गया माइनस का 500।
ये हो गया कितना 500 पी, और यहाँ 0.9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाई 500 तो 450, 450 माइनस 500, तो एस जो है हमारे पास क्या आ गया 500 पी माइनस 950, तो ये क्या आ गया सप्लाई फंक्शन आफ्टर टैक्स। टैक्स लगाने के बाद जो है सप्लाई फंक्शन जो है वो आपका ये बन के आ जाता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड है अपने पास क्या माइनस 400 पी प्लस 4000, और ये कितना है अपने पास कितना 500 पी माइनस 950, तो ये इधर गया तो क्या आ गया 900 पी, और ये इधर आ गया कितना आ गया 4950, तो P बराबर क्या हो गया 4950 डिवाइडेड बाई 900। तो यहां पर आपने क्या किया, फोर नाइन फाइव जीरो डिवाइडेड बाई 900, 5.5, तो प्राइस हो गई कितनी 5.50, तो इसके अंदर क्या हो गया कंज्यूमर बर्डन कितना हो गया 50 पैसा, और प्रोड्यूसर बर्डन कितना हो गया 40 पैसा, और टोटल टैक्स जो है वो कितना लगा था 90 पैसा, तो 90 पैसे लगे जिसके अंदर 50 पैसे किसने दिए कंज्यूमर ने, क्योंकि प्राइस 50 पैसे इंक्रीज हो गई क्वांटिटी पे ये इफेक्ट हुआ। अगर इसको अपन डायग्राम को प्लॉट करें, क्या करें डायग्राम को प्लॉट करें, तो कैसे होगा कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो डिमांड कर्व है वो है माइनस 400 पी प्लस कितना है 4000, अगर इसके अंदर पी बराबर अपन जीरो रखें तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी यानी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 10, पी बराबर जीरो रखा और डी बराबर अगर अपन ने जीरो रखा डी बराबर जीरो रखा तो पी बराबर कितना आ गया 10, और डी पी बराबर अगर अपन ने जीरो रखा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 4000, एक मिनट यही है ना, हाँ, और इसका निकल के आया अपने पास क्या टैक्स लग इससे पहले 500 पी प्लस 500 पी माइनस 500, सप्लाई फंक्शन जो है 500 पी माइनस 500, तो यहां पर अपन ने क्या किया एस इजिकल टू जीरो किया तो पी इजिकल टू 1, और पी इजिकल टू जीरो किया तो एस इजिकल टू माइनस 500, ये कंडीशन तो हो गई बिफोर टैक्स। फिर अपन बात करें आफ्टर टैक्स, तो सप्लाई फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 500 पी माइनस 4950, सॉरी ये क्या 950 950, तो यहां पर अपन ने S इजिकल टू जीरो किया तो P इजिकल टू क्या आ गया 950 डिवाइडेड बाई 500, 50 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ गया 1.9, और P इजिकल टू जीरो रखा तो S इजिकल टू क्या आ गया माइनस का 950। तो ये एक्चुअल में डायग्राम एग्जाम में पूछा हुआ है ना, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ढंग से स्केल वगैरह लेकर के ड्रॉ करेंगे, स्केल जरूर लेके करना है, हजार 2000 3000 4000 और 5000।
और माइनस 1000, तो ये माइनस के 2000, ये है आपके पास। तो यहाँ पर पहला बनाया अपन ने 10 और 4 का, तो प्राइस कितनी है 10 और ये 4000, तो ठीक है। और ये डिमांड करा हो गया, सप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 1 से और -500, यहाँ 500 होगा। और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या आई थी 2000, तो ये लगभग लगभग ऐसे आएगा। थोड़ा सा मेरा स्केल का थोड़ा चक्कर हो सकता है, तो ये इस तरह से बन के आएगा, ये 2000 है, ये सप्लाई है, ये प्राइस है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो इसके अंदर आपने ये अभी अपने निकाला, तो इनिशियल स्टेज के अंदर प्राइस 5 हो गई, क्वांटिटी 2000 हो गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो इनिशियल स्टेज है, अब इस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो टैक्स लगाने के बाद क्या होगा कि ये 1.9, तो यहाँ 1.9 ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, और ये 950 यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे कितना है, माइनस का 950, तो ये एकदम ऐसे क्या है, पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ये। और टैक्स लगेगा, ठीक है। और ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई, तो ये जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, 5 रुपये 50 पैसे। और यहाँ आपके पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और यहाँ ये जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर आएगी 1800 के आसपास, क्योंकि मैंने इसको अपने एक बार इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल ली, इसमें प्राइस तो निकाल ली थी अपन ने 5.50, इसमें क्वांटिटी नहीं निकाली थी। तो क्वांटिटी अगर अपन निकालें तो ये आएगा एस इजिकल टू 500 इंटू 5.5 माइनस 950, ये आएगा कितना, 500 मल्टीप्लाई 5.5 माइनस 950, तो ये बिल्कुल 1800 आएगी। क्या आएगी, 1800। तो ये मैंने ये 1800 के आसपास, तो कहने का मतलब टैक्स जो लगा वो कितना लगा, ए बी और सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी जो है वो क्या है, कंज्यूमर बर्डन है, वो कितना है 50 पैसा। और बी सी जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर बर्डन है, वो कितना है 40 पैसा। प्राइस इंक्रीज हो गई है अपनी, वो कितनी हो गई, 5.50। तो क्वांटिटी क्या हो गई, टैक्स लगाने के बाद डिक्रीज हो गई, वो कितनी हो गई, 1800। तो इस तरह से इसको डायग्राम्स को ड्रॉ करके नहीं आप इसको बनाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन किया है जो क्या बोलते हैं, किस पे बेस्ड है, स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर, इस पर स्पेसिफिक टैक्स पर। अब इसके अंदर यदि हम लगाते हैं क्या, एडवलम टैक्स, तो देखिएगा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं एडवलम टैक्स के ऊपर, तो एडवलम टैक्स लगाएंगे तो कैसे लगेगा, जैसे स्पेसिफिक टैक्स सॉल्व किया है ऐसे अपन इसे पे सॉल्व कर रहे हैं क्या, एडवलम टैक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो कॉस्ट फंक्शन है वो आपके पास दिया हुआ है कितना, 0.1 Q² + Q + 10, 0.1 Q² + Q + 10, ठीक है। अब इसके अंदर हमने टैक्स लगाएंगे तो क्या आएगा, SPQ, रेवेन्यू पे लगता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो आएगा 0.2Q + 1 प्लस SP इज इक्वल टू P, तो ये आएगा 0.2Q, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, MC इज इक्वल टू P, 0.2Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या,
इसको इधर लेके पी माइनस एस पी माइनस वन, ये आएगा क्या क्यू इज इक्वल टू, इसमें से पी कॉमन ले लिया, वन माइनस एस अपॉन जीरो पॉइंट टू माइनस वन अपॉन जीरो पॉइंट टू, तो ये आपके पास कैलकुलेट होके आ गया। तो ये आपके पास हो गया क्यू इज इक्वल टू फाइव पी वन माइनस एस माइनस फाइव, तो ये एक फॉर्म का आ गया। नंबर ऑफ फॉर्म 500 है, तो एस इजिकल टू क्या आएगा 500 क्यू इजिकल टू 500 पी वन माइनस एस माइनस 500। अब यहां पे है क्या स्पेसिफिक टैक्स, वो दे रखा है आपको कितना 20%, तो क्या हो जाएगा एस इजिकल टू 500 पी, यहां आएगा वन माइनस 0.2 20 अपॉन 100, ये आ गया माइनस 500, ये आ गया कितना 0.8, 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 500 से, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये आ गया कितना 400 पी, या एक एक स्टेप बढ़ा 500 पी, ये आ गया 0.8 माइनस 500, ये कितना हो गया 400 पी माइनस 500, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं इसके अंदर, वो होगा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये है माइनस का 400 पी प्लस 4000 इज इक्वल टू 400 पी माइनस 500, तो ये कितना हो गया 400 400 800 पी इज इक्वल टू, ये हो गया 4500, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा 4500 डिवाइडेड बाई 800, 4500 डिवाइडेड बाई 800, तो 5.625, 5.625 20%, अच्छा उसमें ठीक है, तो ये आ गया प्राइस। अब इसके अंदर क्वांटिटी निकालेंगे, तो S इज इक्वल टू कितना आएगा 400 5.625 माइनस 500, तो यह आएगा मल्टीप्लाई बाई 400 माइनस 500, ये आ गया कितना 1750, तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई 1750, प्राइस कितनी आ गई 5.625, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे ये ड्रॉ किया है ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद क्या बोलते हैं यहां पर तो क्या हो गया कि पैरेलल लाइन बन के आई है, और ये मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके अंदर क्या होता है पर यूनिट टैक्स लगता है, तो डायग्राम ऐसे बन के आएगा, यानी यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम रहेगा, और इससे पहले वाले में मैंने बताया था ये यहाँ पर क्या होगा पैरेलल लाइन बन के आएगी, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में लगता है तो आपकी ये पैरेलल लाइन बन के आती है। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आई सप्लाई फंक्शन, वो कितना है 400 पी माइनस 500, 400 पी माइनस 500, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, पी अगर जीरो है तो एस कितना हो गया माइनस का 500, और एस इज इक्वल टू जीरो कर दिया तो पी जो आएगा कितना आएगा 4/5 0.8 500, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ढंग से बनाना, मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ। तो ये आपके पास ये डिमांड आ गया, ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या बोलते हैं इस तरह से ये सप्लाई करवा जाएगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं पहली इनिशियल प्राइस तो यही आ गई पी इज इक्वल टू 5, और ये कितना आएगा 2000, पहला तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो टैक्स लग के आएगा वो इस तरह से आएगा, तो एस फंक्शन जो है इस तरह से जाएगा, यहां पर क्या बोलते हैं ये आया कितना क्वांटिटी कितनी आई इसकी 1750, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1750, और ये जो प्राइस आएगी वो आएगी कितनी 5.625। इस तरह से इसके अंदर कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन, इसको डायग्राम को आप स्केल लेकर के नहीं इसको बनाएंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है
परफेक्ट कंपटीशन, इसके अंदर हमने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म, इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड एडवर्म टैक्सेस, ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर आपको बात की। कल इसके अंदर हम बात करेंगे क्या मोनोपोली, और उसके अंदर भी ये सारी कंडीशन है, सिंपल मोनोपोली, मल्टी प्लांट मोनोपोली, प्लस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, फिर लमसम टैक्स और ये चीजें इसके अंदर लेके चलते नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते।